बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। तो आज हम आए हैं कराची हलीम बंस रोड पे। तो ये हमने हलीम और बिरयानी मंगवाई है, अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसी है। वैसे यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती है हलीम, तो यहाँ की बहुत मशहूर है, दुनिया भर में मंगवाई जाती है। तो जी तो आप देख रहे हैं, ये है कराची हलीम। तो आइए देखते हैं यहाँ और क्या क्या इनके यहाँ मिलता है और क्या क्या ये बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए ज़र्दा तो सामने ही रखा हुआ है और भी बहुत सी खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो हलीम का कलर ही देखें कितना प्यारा है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ और क्या क्या मिलता है। हलीम भी है, बिरयानी भी है, सरदा भी है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हलीम, बिरयानी जी, और सरदा, सरदा भी है, खीर भी है, खीर भी है, और पाया भी है, शामी कबाब, अच्छा, लाओ। और लाओ। और तो क्या टाइमिंग है यहाँ के? सुबह 9 बजे खोलती है और रात को 4 बजे बंद होती है। ऐसी माशाल्लाह रश रहता है, ऐसी रश सबसे ज्यादा रश किस टाइम होता है? मगरिब के बाद होती है, शाम के बाद 12 बजे तक होगा, इसलिए चलना शुरू हो जाएगा आधा किलो 20 मिनट के बाद। चले बहुत शुक्रिया जी। तो आपने सुना कि यहाँ बहुत सी और भी आइटम हैं, वैरायटी है, कबाब, पुलाव, बिरयानी, टिक्का वगैरह। तो इनका ये देखें बाहर, ये क्या बोलते हैं इनको, सब्जी बन रही है, चिकन, ये यहाँ बहुत बंस रोड पे मटन सब्जी। मटन तो आजकल शायद महंगाई की वजह से बहुत कम नज़र आया बनते हुए, तो ये चिकन तो जगह जगह ऐसे बना रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक है यहाँ। तो ये यहाँ बाहरी, हमने भी बाहरी, हम भी टेबल पे बैठ गए थे बच्चों के साथ, बाहरी हमने मंगवा लिया हलीम और बिरयानी। तो वैसे इनका अंदर ऊपर फैमिली हॉल भी है, तो यहाँ बाहरी अमूमन ज़्यादा रश होता है बाहर पूरे में। शाम के टाइम पे ट्रैफिक तो यहाँ बंद हो जाती है, तो पूरे में ये सब लगा होता है। तो यहाँ ये पूरे एरिए में सबसे ज़्यादा जो हैं थोड़े थोड़े वक्फे से ये गोलगप्पे आपको मिलेंगे, बन कबाब मिलेंगे बंस रोड पे, और चाट वगैरह मिलेगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बहुत से स्टॉल बोलें, कार्ट बोलें, बहुत कार्ट वो क्या होते हैं वो सब बहुत मिलेंगे गोलगप्पे के और बन कबाब के बहुत हैं। और आजकल ये जो तुर्किश फ्राइज़ वगैरह हैं तो वो बहुत मिलेंगे आपको। वैसे तो वहाँ बहुत ही वैरायटी है, यहाँ दुनिया की खाने पीने की हर चीज़ से यहाँ मिलेगी, हर वैरायटी मिलेगी जी। जैसा कि बताया हम कराची हलीम पे मौजूद हैं, तो हमने हलीम और बिरयानी मंगवाई है। तो अब हमने ट्राई की, खाया, हलीम भी खाया, बिरयानी भी खाई, तो बहुत ही बिरयानी भी मज़ेदार है, हलीम तो खैर इनका है ही, बहुत मशहूर है। तो दोनों चीज़ें मैंने ट्राई की, बहुत ही मज़े की है, लाजवाब हैं, बिल्कुल इसमें मसाला जात और बनाया हुआ बिल्कुल बहुत परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो कराची हलीम खाने के बाद उम्मे अनस को ख्याल आया कि घर में भी बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से हलीम घर में नहीं बनाया, वरना तो थोड़े थोड़े टाइम बाद बनता ही रहता है। तो उम्मे अनस ने भी हलीम बनाया, हलीम भी देसी तरीके से सारी चीज़ें डाल के उसने बनाया अपने स्टाइल में, जैसे हमारे यहाँ बनता है। तो काफ़ी सारा बनाया था, रात भर लगी रही। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ये भी शेयर कर लें कि उम्मे अनस ने भी हलीम बनाया,
ये भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बनाया इसने, उम्मे अनस ने चिकन हलीम बनाया जी। तो उम्मे अनस ने बनाया हलीम, और हिना ने फिर बनाई बिरयानी और ज़रदा। हिना ने बीफ बिरयानी बनाई और ज़रदा बनाया। तो इन दोनों की मैं रेसिपी फिर इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हलीम की भी और बिरयानी की तो कई मरतबा कर चुकी हूं और ज़रदे की भी कर चुकी हूं, लिहाजा फिर दोबारा देखेंगे कर लेंगे। तो हलीम की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यो इन दोनों को वहां खा के जोश आया, तो एक ने हलीम बनाया, एक ने बिरयानी और ज़रदा बना लिया, और माशाल्लाह सब ने मज़े से खाया। वीडियो आपने देखी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बने बेल के निशान को प्रेस करना आप भी ना भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।